डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, आज आप लोगों को प्लेकोडर्माई के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लेकोडर्माई एक वर्ग है या एक क्लास है। इस क्लास में आने वाले एनिमल्स को प्लेकोडर्म्स कहा जाता है। ये फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स थे, यानी प्रथम जबड़े युक्त वर्टिब्रेट्स थे। ये अर्ली ग्नेथोस्टोम्स हैं, यानी कि प्रारंभिक ग्नेथोस्टोम्स, जबड़े युक्त मछलियाँ जिन्हें प्लेकोडर्म्स कहा जाता है, क्लास प्लेकोडर्माई में सम्मिलित किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्लेकोडर्म्स। द प्लेकोडर्म्स बीइंग क्वाइट डिफरेंट इन सेवरल रिस्पेक्ट्स आर कंसीडर्ड क्लोजर टू द कार्टिलेजिनस फिशेज एंड ट्रीटेड एज ए ग्नेथोस्टोमेटा। दीज वर रिगार्ड एज द फर्स्ट फिशेज appeared on the earth. They had plate skin. Greek word plekos means a flat plate and derma means skin. They were jawed, heavily armored, spiny finned and possessed paired fins. Plecoderms mein पृथ्वी पर आने वाली, प्रकट होने वाली सबसे पहली या फर्स्ट फिशेस आती हैं। इनमें फ्लैट स्किन होती थी, इनमें जबड़े जब बने, जबड़ों का प्रादुर्भाव हुआ, शरीर में अस्थिल कवच उपस्थित होते थे और इनमें स्पाइनी तथा पेयर्ड फिन्स होते थे। द बॉडी वाज फ्लैटन्ड एंड दे लिव्ड ड्यूरिंग सिलूरियन टू डिवोनियन पीरियड्स ऑफ मीजोजोइक इरा। दे वर क्रेडिटेड एज द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ब्लेस्ड विद जॉज। Romer stated that perhaps the greatest of all advances in vertebrate history was the development of jaws, causing drastic revolutionary improvement in the mode of their life. ये animals Mesozoic era के Silurian से Devonian periods के दौरान पृथ्वी पर पाए जाते थे। ये ऐसे प्रथम वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें जबड़े विकसित हुए। रोमर के अनुसार वर्टिब्रेट हिस्ट्री में यह ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट है कि इन एनिमल्स में जबड़ों का विकास हुआ, जिसके कारण इन एनिमल्स की लाइफ में रिवोल्यूशनरी इम्प्रूवमेंट आया। टाइम एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लेकोडर्म्स। प्लेकोडर्म्स ओरिजिनेटेड अबाउट 400 मिलियन ईयर्स एगो इन द डिवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा। दे फ्लरिश्ड through Devonian and Carboniferous and became extinct by Permian about 280 million years ago. During Devonian, they underwent great evolutionary radiation when two new types, the cartilaginous and bony fishes, evolved in early Carboniferous times. प्लेकोडर्म्स
Trachoderms originated and lived in the fresh water, but later forms invaded the seas as well. Glacoderms से ही cartilaginous तथा bony fishes evolved हुई. Glacoderms पहले fresh water में रहते थे, लेकिन बाद में ये समुद्र में भी रहने लगे. Ancestor of placoderms. It is believed that some primitive ostracoderms were probably the ancestors of placoderms. Smith stated that placoderms may be the derivatives of ostracoderms. However, their fossil record does not show any connecting link between the jawless and the jawed fishes. ये विश्वास किया जाता था कि कुछ primitive ostracoderms placoderms के ancestors हैं. स्मिथ ने यह बताया कि placoderms ostracoderms के derivatives हो सकते हैं, लेकिन इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स जॉलेस और जॉड फिशेस के बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं दिखाते. सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्लैकोडर्म्स. प्लैकोडर्म्स वर रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रू फिशेस. प्लैकोडर्म्स को प्रथम वास्तविक मछलियां माना जाता है. They were called plate-skinned fishes and they had a bony armor like that of ostracoderms. They were mostly the bottom dwellers and lived on invertebrates like their agnathan counterparts. They were closer to the cartilaginous fishes. The shape and the size of body widely varied but had a dorsoventrally flattened body, an adaptation for bottom living habit. इनका शरीर dorsoventrally flattened होता था. Dorsoventrally flattened शरीर bottom living habit के लिए, यानी कि समुद्र की गहराई में रहने के लिए अडेप्टेड, यह एक अडेप्टेशन है. देयर साइज रेंज्ड फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू 10 meters. बॉडी वॉज डिविजिबल इंटू हैड, ट्रंक एंड टेल. द हैड एंड ट्रंक वर कवर्ड बाय बोनी शील्ड्स वाइल द टेल रिमेंड मोस्टली नेक्ड. इन ए फ्यू फॉर्म्स द टेल आल्सो हैड ए कवरिंग ऑफ स्मॉल थिन स्केल्स. They had paired fins. The tail were heterocercal. Jaw suspension was primitively autostylic or aphytohyoidian type. Palatoquadrate and mandibular bones remained unossified and fused rigidly to the head shield or to the inner part of the cranium. The hyoid arch was relatively unspecialized and did not participate in jaw suspension. Jaw consisted of bony plates formed by modification of dermal bones lining the jaw cartilage. Similar plates on palatoquadrate probably assisted them in crushing shelled molluscs and arthropods. They developed an internal ear with semicircular canals.
spiracle probably a typical gill slit between the mandibular and hyoid arch. The fins in general were similar to those of early sharks. These were represented by a pair of pectoral and pelvic fins and often by large pectoral spines attached to the bony plates on the trunk. Males had pelvic claspers. Classification of placoderms. The class Placodermi includes following six well-known orders. First, Arthrodira, example Cocosteus and Dinichthys. Second, Tectodontia, example Rhamphodopsis and Tectodontis. Third, Phyllolepida, example Phyllolepis. Lepis. Pitalicthidia, example Lunaspis and Macropitalthis. Fifth, Rhinandida or Stegosilechae, example Geminidina. Class 6, Antiarchi, example Bothiolepis lepis and Pterichthys. Order first, Arthrodira. Greek word arthros means joint, dira means neck. Joint necked fishes abundantly found in the Silurian and Devonian rocks. Extensive bony armor. Head shield was movably jointed to the trunk shield. Therefore, the necked body behind the shield was mobile. ये joint necked fishes इस क्लास के अंतर्गत आती हैं. इनमें सिर और ट्रंक यानी कि धड़ की भारी अस्थिल कवच एक मूवेबल संधि या जोर से जुड़ी थी. The hinge between the head shield and the trunk shield allowed the head to be raised as the lower jaw dropped, thus making possible a large bite. Head shield or trunk shield के बीच का जोड़ या हिंज हेड को ऊपर की तरफ उठाता था, जिसके कारण से इसका लोअर जॉ नीचे की तरफ आ जाता था, जिसके कारण से इनका मुंह काफ़ी खुल जाता था और ये एक लार्ज या बड़ी बाइट या बड़े भोजन को ग्रहण करने में सक्षम होते थे. इट आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी एंड स्टीयरिंग कंट्रोल ड्यूरिंग लोकोमोशन. एग्जाम्पल कोकोस्टियस एंड डिनिक्थिस. ऑर्डर सेकेंड, टिक्टोडोंटिडा. ग्रीक वर्ड टिक्सिस मीन्स फोल्डिंग एंड ओडोंटोस मीन्स टूथ, दैट इज फोल्डेड टीथ प्लेकोडर्म्स. स्मॉल मोलस्कस ईटिंग प्लेकोडर्म्स ऑफ डिवोनियन विद हैवी डेंटल प्लेट्स. इट इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन द प्लेकोडर्म्स एंड होलोसिफेलियंस. एग्जाम्पल Rhamphodopsis and Tychodontidas.
ऑर्डर थर्ड फाइलोलेपिडा, ग्रीक वर्ड फाइलोन मीन्स लीफ, लेपिस मीन्स स्केल. दिस ऑर्डर वॉज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम मिडिल टू अपर डिवोनियन एंड करेक्टराइज बाय लीफी स्केल्स कवरिंग द एंटायर बॉडी. फ्लैट डीजनरेट फ्लैकोडर्म्स विद ऑर्नामेंटल प्लेट्स, एग्जाम्पल फाइलोलेपिस. फाइलोन का मतलब लीफ और लेपिस मतलब स्केल, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें लीफ के समान स्केल्स हों उनको इस ऑर्डर फाइलोलेपिडा के अंतर्गत रखा गया है. ऑर्डर फोर पिटेलिक थिएटा, ग्रीक वर्ड पिटेलॉन मीन्स पीटल और इक्थियस मीन्स फिश. फ्लैटेंड स्पेशलाइज्ड प्लेकोडर्म्स ऑफ डिवोनियन पीरियड विद वेल ऑसिफाइड हेड एंड ट्रंक शील्ड्स, मोबाइल हिंज एब्सेंट, दैट इज नो गैप बिटवीन हेड शील्ड एंड ट्रंक शील्ड, एग्जाम्पल लुनेस्पिस. इन एनिमल्स या इन प्लेकोडर्म्स के बीच के हेड शील्ड और ट्रंक शील्ड में कोई गैप नहीं होता था, यानी कि मोबाइल हिंज एब्सेंट. ऑर्डर फाइव रिनेनिडा और स्टीगोसिलेचाई, ग्रीक वर्ड रिनस मीन्स राइन और ऑइडोस मीन्स फॉर्म और ग्रीक वर्ड स्टीजियोन मीन्स टू कवर और प्रोटेक्ट और हाइड मीन हाइड एंड सिलेक्ट मीन्स शार्क. शार्क लाइक प्लेकोडर्म्स ऑफ डिवोनियन पीरियड कॉमनली कॉल्ड राइनी फिश विद ए ब्रॉड हेड एंड ए टेपरिंग बॉडी कवर्ड विद स्मॉल ट्यूबरकल्स जस्ट लाइक द डेंटिकल्स और प्लेकोइड स्केल्स ऑफ शार्क्स. द माउथ वॉज प्लेस्ड टर्मिनली एंड प्रोवाइडेड विद शार्प टीथ. पेयर्ड फिन्स वर रिप्रेजेंटेड बाय लार्ज पेक्टोरल एंड स्मॉल पेल्विक फिन्स एंड मीडियन बाय ए सिंगल डॉर्सल सपोर्टेड बाय स्पाइंस कंटिन्यूइंग ए शॉर्ट डिस्टेंस बियॉन्ड द फिन. गिल्स वर कवर्ड बाय ए लार्ज ऑपरक्यूलम बट स्पाइरेक्यूलर ओपनिंग वर एब्सेंट, एग्जाम्पल गैमुनिडिना. ऑर्डर सिक्स एंटी आर्चे, एंटी मीन्स बिफोर और आर्चियन मीन्स एंशियंट. एंशियंट स्मॉल हैविली आर्मर्ड प्लेकोडर्म्स वेरी वेल एडप्टेड फॉर बॉटम फीडिंग एंड बॉटम लिविंग. माउथ वेंट्रल विद जॉइंटेड मूवेबल हुक लाइक पेक्टोरल स्पाइंस. आईज लोकेटेड डॉर्सली थ्रू दीज फॉर्म्स वर लेस इन नंबर दो दीज फॉर्म्स वर लेस इन नंबर बट वेरी सिमिलर टू आर्थ्रोडायर्स, एग्जाम्पल बैथ्रियोलेपिस एंड टेरिक्थोडिया. नाउ एफिनिटीज ऑफ प्लेकोडर्माई. प्लेकोडर्म्स लाइक दैट ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स पॉजेस द हैवी बोनी आर्मर. नेवरदलेस दे शो एडवांसमेंट एंड हैव डेवलप्ड जॉज, पेयर्ड फिन्स एंड इंटरनल ईयर. प्लेकोडर्म्स ऑस्ट्रेकोडर्म्स के समान ही होते थे, इनमें हैवी बोनी आर्मर यानी कि बहुत भारी अस्थिल कवच प्रेजेंट होता था, लेकिन ये ऑस्ट्रेकोडर्म से अधिक एडवांस थे. इनमें जॉज विकसित हो गए थे, पेयर्ड फिन्स तथा इंटरनल ईयर होते थे. प्लेकोडर्म्स गेव ओरिजिन टू टू ग्रुप्स नेमली बोनी फिशेस ऑस्ट्रेक्थिस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस और कॉन्ड्रैक्टिस. दीज ग्रुप ओरिजिनेटेड इन फ्रेश वाटर एंड हैव एंटर्ड द सी लेटर ऑन ओनली.
प्लैकोडर्म्स ने दो ग्रुप्स प्लैकोडर्म से दो ग्रुप ओरिजिनेट हुए, बोनी फिशेस तथा कार्टिलेजिनस फिशेस। ये ग्रुप्स इन ग्रुप्स के जो एनिमल्स थे वो पहले फ्रेश वाटर में रहते थे लेकिन बाद में समुद्र में रहने लगे। दी बोनी फिशेज आर नोन इन दी फॉसिल रिकॉर्ड फ्रॉम अर्ली डिवोनियन पीरियड एंड दी कार्टिलेजिनस फिशेज आर नोन फ्रॉम मिड डिवोनियन पीरियड। दिस फाइंडिंग प्रूव्स दैट दी बोनी फिशेज इमर्ज्ड अर्लियर देन कार्टिलेजिनस फिशेज। दी पोजेशन ऑफ बोन इज ए प्रिमेटिव करेक्टर एंड इट्स एबसेंस इन दी कार्टिलेजिनस फिशेज इज ड्यू टू डिजनरेशन। फॉसिल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि बोनी फिशेज अर्ली डिवोनियन पीरियड में रहती थी और कार्टिलेजिनस फिशेज मिड डिवोनियन पीरियड में रहती थी। इन फाइंडिंग से ये सिद्ध होता है कि कार्टिलेजिनस फिशेस की अपेक्षा या उससे पहले बोनी फिशेज इमर्ज्ड हुई। इसका मतलब एनिमल्स में बोन की उपस्थिति एक प्रिमेटिव करैक्टर है, प्राथमिक लक्षण है, तथा कार्टिलेजिनस फिशेज में इनकी अनुपस्थिति इनके बोन के डीजनरेशन से होता है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। प्लैकोडर्म्स वर दी अर्लीस्ट टू दी नॉन फॉसिल वर्टिब्रेट्स विद जॉज, मोस्टली क्रिएचर्स ऑफ दी डिवोनियन। देयर बोनी आर्मर लिंक्स देम जेनेटिकली विद देयर प्रीडेसर्स दी ऑस्ट्रेकोडर्म्स। विद बोनी जॉज एंड पेयर्ड फिन्स दे वर मोर स्पेशलाइज्ड देन ऑस्ट्रेकोडर्म्स। ए न्यू ईरा इन द हिस्ट्री ऑफ फिशेज ओपन्ड विद द एडवेंट ऑफ जॉज। प्लैकोडर्म्स सबसे अर्लीस्ट नॉन फॉसिल वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें जॉज होते थे। ये डिवोनियन पीरियड में अधिकतर पाए जाते थे। इनके बोनी आर्मर्स इनको ऑस्ट्रेकोडर्म के साथ लिंक करते हैं लेकिन ये ऑस्ट्रेकोडर्म से अधिक स्पेशलाइज्ड हैं क्योंकि इनमें बोनी जॉज और पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। इस तरह से जॉज के बनने से मछलियों के इतिहास में एक नया युग आया। तो अभी तक एनिमल्स में ऑस्ट्रेकोडर्म्स तक जब हमने पढ़ा तब तक हमने किसी भी एनिमल में जबड़ों की उपस्थिति नहीं देखी थी लेकिन अब प्लैकोडर्म्स में जब प्लैकोडर्म्स बने तो उनमें जबड़े बने। तो इस प्रकार एनिमल्स में जबड़ों के आगमन से एक नया युग आया है। एज प्रोफेसर ए एस रोमर रिकॉल्स इन हिज बुक द वर्टिब्रेट बॉडी दैट परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एडवांसेस इन वर्टिब्रेट हिस्ट्री वाज द डेवलपमेंट ऑफ जॉज एंड द कॉन्सिक्वेंट रिवोल्यूशन इन द मोड ऑफ लाइफ ऑफ अर्ली फिशेज। प्रोफेसर ए एस रोमर अपनी पुस्तक द वर्टिब्रेट बॉडी में लिखते हैं कि वर्टिब्रेट इतिहास में सबसे महान प्रगति संभवतः जबड़ों का विकास और फलस्वरूप आरंभिक मछलियों की जीवन पद्धति में आई क्रांति थी।
There is no fossil evidence for the ancestry of placoderms. Placoderms की पूर्वजता का कोई जीवाश्मी प्रमाण नहीं है. Some primitive ostracoderms were probably their ancestors. कुछ आदिम ऑस्ट्रेकोडर्म्स संभवतः उनके पूर्वज थे. According to one view, the placoderms all became extinct by the end of the Paleozoic era without giving rise to any surviving forms. एक मत के अनुसार सब प्लेकोडर्म्स बिना किसी सर्वाइविंग फॉर्म्स को उत्पन्न किए पैलियोजोइक ईरा के अंत तक विलुप्त हो गए. अकॉर्डिंग टू अनदर व्यू द कार्टिलेजिनस फिशेज और कॉन्ड्रैक्टाइथिस एंड द बोनी फिशेज और ऑस्ट्रैक्थिस बोथ एरोज इन अर्ली डिवोनियन फ्रॉम सम प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लेकोडर्म्स. दूसरे मत के अनुसार उपास्थिल मछलियाँ या कॉन्ड्रैक्टिस और अस्थिल मछलियाँ या ऑस्ट्रैक्टिस दोनों डिवोनियन पीरियड के आरंभ में किसी प्रिमिटिव या आदिम प्लेकोडर्म समूह से उत्पन्न हुई. कॉन्ट्रैरी टू द फॉर्मर बिलीफ The cartilaginous fishes did not give rise to bony fishes. पूर्व विश्वास के विपरीत उपास्थिल मछलियों ने अस्थिल मछलियों को उत्पन्न नहीं किया. Thus, bone rather than cartilage is to be considered a primitive characteristic. इस प्रकार उपास्थि के बजाय अस्थि को आदिम लक्षण समझा जाना चाहिए. Summary. Placoderms were the first vertebrates to have jaws. The origin of jaws appears to have greatly revolutionized their mode of life. Jaws have enabled them to evolve and spread into a variety of food resources, and many of them even became predators. This led to the evolution of efficient muscular, sensory and nervous systems. तो placoderms ऐसे first vertebrates हैं जिनमें jaws होते थे. jaws का उत्पन्न होना या jaws की उत्पत्ति इन animals की life के mode में यानी कि mode of life में greatly रिवॉल्यूशनरी परिवर्तन था. जॉस के कारण इनकी फूड रिसोर्सेज काफ़ी व्यापक हो गया और इनमें से कई प्रीडेटर्स भी बन गए, परभक्षी बन गए. इसके कारण इनमें एफिशिएंट मस्कुलर, सेंसरी तथा नर्वस सिस्टम्स विकसित हुए. अनदर मॉर्फोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेकोडर्म्स वाज द एक्विजिशन ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस. दूसरा मॉर्फोलॉजिकल या आकारिकी परिवर्तन था इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस का बनना. Placoderms may be regarded as the derivatives of ostracoderms. Placoderms को ostracoderms का derivative भी माना जाता है. During Devonian, ostracoderms gradually became extinct and placoderms replaced them. Devonian period के दौरान ostracoderms धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए और उनकी जगह placoderms ने ले ली. Most of them were, however, not successful in the long run. They may thus be regarded as an ancient experiment in the evolution of jawed vertebrates. इनमें से कई placoderms लंबे जीवन के लिए
या लंबे जीवन नहीं बिता पाए, उसमें ये सफलता सफल नहीं हो पाए, इसलिए इनको एंशिएंट एक्सपेरिमेंट एनिमल्स भी कहा जाता है। वो जॉर्ज वर्टिब्रेट्स के वर्टिब्रेट्स में इवोल्यूशन के हिसाब से उनको एंशिएंट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। देयर आर टू कंट्रोवर्शियल व्यूज। फर्स्ट, प्लैकोडर्म्स बिकेम कंप्लीटली एक्सटिंक्ट विदाउट गिविंग राइज टू एनी सर्वाइविंग फॉर्म्स। प्लैकोडर्म्स बिना किसी सर्वाइविंग या जीवित फॉर्म्स को दिए हुए पूर्ण रूप से विलुप्त हो गए, यानी कि प्लैकोडर्म से आगे किसी भी एनिमल्स की उत्पत्ति नहीं हुई और प्लैकोडर्म्स विलुप्त हो गए। और दूसरा, प्लैकोडर्म्स गेव राइज टू टू ग्रुप्स, नेमली बोनी फिशेज एंड कार्टिलेजिनस फिशेज। और दूसरे मत के अनुसार प्लैकोडर्म्स ने दो ग्रुप्स एनिमल्स के दो ग्रुप्स दिए, बोनी फिशेज तथा कार्टिलेजिनस फिशेज। ये देखिए, ये कुछ प्लैकोडर्म्स की इमेजेस हैं। इस तरह से ये फिशेस थी जो कि जबड़े युक्त थी। इनमें आगे देखिए बोन प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। ये नीचे स्ट्रॉन्ग लोअर जा, हेड शील्ड, उसके बाद गैप या हिंज दिखाई दे रहा है ट्रंक और हेड के बीच में, थोरेक्सिक शील्ड। तो आगे की तरफ हेड और थोरेक्स वाला जो रीजन है वो हार्ड शील्ड से ढका हुआ है। उसके बाद नेक्ड बॉडी, ऊपर डॉर्सल फिन, नीचे पेयर्ड पेल्विक फिन और टेल के चारों ओर टेल फिन। ये देखिए, ये भी प्लैकोडर्म है। इसमें दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से हिंज के कारण से हेड और ट्रंक के बीच में मूवमेंट हो सकता था और जबड़े किस तरह से कितने बड़े मुंह को खोल देते थे, जिसके कारण से ये इनकी फीडिंग हैबिट में भी परिवर्तन आया और ये प्रीडेटर्स बने। ये फॉसिल है प्लैकोडर्म का। तो इस तरह से आज हमने क्लास प्लैकोडर्माई के बारे में पढ़ा, जो कि प्रथम जबड़े युक्त वर्टिब्रेट्स थे। तो लगभग 45 करोड़ वर्ष पूर्व मध्य सिलूरियन में जब ऑस्ट्रेकोडर्म्स लुप्त हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, तो अनेक अधिक सक्षम और जबड़े युक्त मछलियां उत्पन्न हुई जिन्हें प्लैकोडर्माई क्लास के अंतर्गत रखा जाता है। और ये क्योंकि इनमें प्रथम बार जबड़े बने, इसलिए इनको फर्स्ट जॉर्ड वर्टिब्रेट्स कहा जाता है या अर्ली ग्नेथोस्टोम्स भी कहा जाता है। तो इनके बारे में जो भी हमने पढ़ा वो उनके जीवाश्म या उनके फॉसिल्स से ही हमने उनकी जानकारी प्राप्त की, क्योंकि वो सिलूरियन में प्रकट हुए, डिवोनी और कार्बनी फिरस में फले फूले और परमियन में विलुप्त हो गए। तो इसलिए आज
हमें कोई भी प्लैकोडर्म नहीं मिलते, हम फॉसिल से ही हमने उनका अध्ययन किया है। थैंक यू।